आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस खास कड़ी का। मैं हूं पूर्णिमा। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। अपने इस खास न्यूज प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे बच्चों को पढ़ाता एक विधायक, महंगाई को मात देती महिलाएं, महाराष्ट्र के गाँव में हेल्थ अवेयरनेस की नई सोच। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। बच्चों को पढ़ाता विधायक, अब कारखानों में होगी तकनीकी पढ़ाई। महाराष्ट्र के गांव में हेल्थ अवेयरनेस की नई सोच। महंगाई को मात देती महिलाएं, कैसा होगा सुपर फास्ट 4G। 500 साल से मंदिर में जल रही अग्नि। पुराने कपड़ों का नया चमत्कार, अप टू डेट फुटवेयर का नया दौर। आइए मिलवाते हैं खद्दर के सफेद कुर्ता और पैजामा से अलग पैंट और टी शर्ट में बच्चों को पढ़ाते एक ऐसे विधायक से जो पिछले 34 सालों से बच्चों को पढ़ाकर उन्हें बैंक का अफसर बना रहे हैं। इनकी पढ़ाई करीब 1,00,000 छात्र आज बैंक के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आंखों पर चश्मा और घुंघराले बाल, पैंट और टी शर्ट पहने ये हैं मध्य प्रदेश रतलाम सीट के विधायक पारस सकलेचा, जो गरीब प्रतियोगी छात्रों को बैंक की परीक्षा पास करने के गुर देने में लगे हुए हैं। सकलेचा परीक्षा पास करने का गुर बिल्कुल निःशुल्क सिखलाते हैं। विधायक तो हर कोई बन जाता है, बट जो दादा जो कर रहे हैं हम लोगों के लिए, युवा वर्ग के लिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ आने के पहले देखा जाए तो कुछ रीजनिंग का तो ABCD बतानी थी, और अब रीजनिंग में वो मतलब 50 में से 48-7 के समथिंग सही हो रहे हैं। का पढ़ाने का जो तरीका है मीन्स मतलब दिमाग तक तो सबके पहुँच जाता है, बट दादा का जो हर्ट तक पहुँच जाता है। सकलेचा की यह पाठशाला पिछले 34 वर्षों से चल रही है, जिसमें पढ़कर ना जाने कितने बच्चे किन किन बैंकों में ऑफिसर बन गए। सकलेचा कहते हैं कि उन्हें बच्चों को पढ़ाने से ऊर्जा मिलती है। आज लगभग 150 से ज्यादा स्तर काम चल रही है, 1,00,000 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, और अभी भी निरंतर वो संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और सभी का मकसद एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों का करियर बनाना। मध्य प्रदेश के रतलाम नगर में 1977 में युवाम नाम से शुरू हुई ये पाठशाला हर दिन लग रही है। वक्त के साथ छात्रों की संख्या बढ़ती गई है। आज 1,200 बच्चे यहाँ बैंक की परीक्षा पास करने की कोचिंग लेते हैं। आज भी रतलाम के अंदर जो 1,200 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से 500 से 400 बच्चे बाहर गाँव से आके यहाँ के हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। पिछले 34 वर्षों में इस शिक्षा का असर देश भर में फैल गया है। आज सैकड़ों प्रतिभाशाली निर्धन बच्चे युवाओं में विधायक जी की क्लास अटेंड करते हैं और ऑफिसर बनने का सपना हकीकत में ढालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए PPP फॉर्मूले पर एक नई योजना बनाई है, जिसमें उद्योगों को कैंपस में पॉलिटेक्निक खोलने की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से कोर्स चलाकर प्रोफेशनल्स तैयार कर सकेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में हुई इस नई पहल पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नया PPP फॉर्मूला उद्योगों को कैंपस में पॉलिटेक्निक खोलने की मंजूरी। जी हाँ, अब कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से पेशेवर तैयार कर सकेंगी, क्योंकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नए फार्मूले से उद्योगों को अपनी पसंद के पेशेवर खुद तैयार करने का मौका मिलेगा। मंत्रालय ने PPP मॉडल पर 300 ऐसे पॉलिटेक्निक को मंजूरी दी है, जिन्हें उद्योग अपने परिसर में स्थापित कर सकेंगे। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इन पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले छात्रों को डिप्लोमा कोर्स के दौरान कारखाने में सीखने समझने का मौका मिलेगा। साथ ही कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से कोर्स डिजाइन कर मन मुताबिक पेशेवर तैयार कर सकेंगी। इससे कंपनी का लोगों की भर्ती के बाद प्रशिक्षण पर होने वाला खर्च बचेगा। इनमें एडमिशन सरकारी प्रक्रिया से होंगे और इसकी फीस भी सरकार ही तय करेगी। सरकार और उद्योग के प्रतिनिधियों की मदद से इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी, जो पॉलिटेक्निक के कामकाज की नीतियों पर निगरानी रखेगी। मंत्रालय की मंजूरी के बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने योजना को अधिसूचित कर दिया है, जिसके बाद राज्य सरकारों के जरिए उद्योगों से पॉलिटेक्निक खोलने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं।
पॉलिटेक्निक स्थापित करने के लिए केंद्र 3 करोड़ और राज्य सरकार 2 करोड़ की सहायता देगी। इस योजना के पहले चरण में 300 पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे, जिनके खुलने से 9 लाख सीटें बढ़ेंगी। इस योजना के तहत मेट्रो कोच, टेलीविजन, फ्रिज या फर्नीचर बनाने वाली कंपनियां भी अपने परिसर में पॉलिटेक्निक स्थापित कर सकती हैं, जिससे लाखों युवाओं को बेरोजगारी के चंगुल से निकाला जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। और अब बात करते हैं हेलो फाउंडेशन की, जिसने स्वास्थ्य सुविधा और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने प्रयासों से मिसाल कायम की है। हेल्थ एंड ऑटो लर्निंग प्रोग्राम यानी हेलो की शुरुआत सन 1993 में डॉक्टर अहंकारी के मार्गदर्शन में हुई। इस फाउंडेशन ने ऐसे समर्पित लोगों की टीम तैयार की है, जिन्होंने महाराष्ट्र के गांव और दूर दराज के क्षेत्र में न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाया है, बल्कि हेल्थ अवेयरनेस को लेकर लोगों में नई सोच भी पैदा की है। आइए इसी पर दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल में अगर लोगों की सेवा करने का जज्बा हो तो कौन कहता है कि राहें नहीं मिलती। पूर्वी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में शुरू हुआ हेलो फाउंडेशन आज लगभग 70 गांवों में अपनी सेवाएं घर घर तक पहुंचा रहा है। और इसके संस्थापक डॉक्टर अहंकारी ने लोगों की सेवा के लिए शहरी शानो शौकत की जिंदगी को छोड़कर गांव में ही अपना बसेरा बना लिया, जिसमें उनका साथ दिया उनकी पत्नी डॉक्टर शुभांगी अहंकारी ने। सात महीने की गर्भवती एक महिला हमारे क्लिनिक में लाई गई। वो बहुत सारी बीमारियों से जूझ रही थी, उसके सुरक्षित प्रसव की कोई आशा नहीं थी। उस घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया। पूर्वी महाराष्ट्र के कई गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं के जबरदस्त अभाव की वजह से महिलाओं को, खासकर गर्भवती महिलाओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दूर दूर तक न कोई अस्पताल, न डॉक्टर जो समय पर इलाज दे सके। ऐसे में जरूरत थी सबसे पहले प्राइमरी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की और फिर घर घर जाकर हेल्थ जागरूकता को फैलाने की, जिसकी जिम्मेदारी उठाई डॉक्टर अहंकारी ने। और उन्हीं के निर्देशन में इस फाउंडेशन की शुरुआत की गई, जिसमें स्थानीय स्तर पर महिलाओं को ही हेल्थ वर्कर बनाया गया, जो घर घर जाकर तमाम अशिक्षित और असहाय दूसरी महिलाओं को वो सारी सेवाएं दे सकें जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी। धीरे धीरे इससे मिलने वाली सेवाओं और सुविधाओं को देखकर कई लोग जुड़ने लगे। चारों ओर गंदगी है। भारत वैद्य कार्यकर्ताओं ने हमारे बहुत सारे पैसे बचाए हैं। यहाँ इलाज कराना बेहद सस्ता है, केवल गंभीर बीमारियों के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इस फाउंडेशन ने न केवल जमीनी स्तर पर सुनियोजित तरीके से खुद को संगठित किया, बल्कि स्वयं सहायता समूहों के रूप में अपनी जड़ों को फैलाना शुरू किया। यही नहीं, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना इस फाउंडेशन के उद्देश्य में शामिल हो गया। महिलाओं के हेल्थ वर्कर ग्रुप को भारत वैद्य नाम दिया गया, जिनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच दूर दराज के इलाकों तक हो गई, बल्कि दवाइयों पर होने वाला खर्च 30 रुपए तक पहुंच गया। भारत को विकसित बनाने की दिशा में तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, लेकिन भारत की 50% आबादी आज भी गांव में ही रहती है। ऐसे में अगर बाकी लोग भी हेलो फाउंडेशन से प्रेरणा लें तो भारत 2020 तक विकसित देश के सपने को साकार कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। पौष्टिक खान पान अपनाइए, स्वस्थ रहिए, ये कहावत आपने भी सुनी होगी। लेकिन आज के समय में जहां एक तरफ महंगाई ने इस पौष्टिकता पर वार किया है, वहीं विषैली और खतरनाक सब्जियों ने लोगों का स्वास्थ्य और सुकून छीन लिया है। महंगाई से लड़ने और स्वस्थ रहने के लिए महानगरों की महिलाओं ने घर की छतों पर सब्जियां उगानी शुरू कर दी हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की गृहणियां इन दिनों खतरनाक रसायन में डूबी और नकली चमक वाली सब्जियों और उनकी आसमान छूती कीमतों से इतनी आजिज आ चुकी हैं कि उन्होंने समस्या का हल खुद तलाश लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने फ्लैट की छतों पर सब्जियों के गमले फैला दिए। ऐसे तमाम लोग हैं जो अब सब्जियों के लिए सिर्फ बाजार के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। शहरी किसानों का यह नया वर्ग एक एक इंच जगह का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है। वैसे घर पर सब्जियां उगाना सेहत के लिए भी अच्छा है और इसके लिए लोग जगह और सुविधाओं के अनुसार अलग अलग भी प्रयोग कर रहे हैं। इससे यही फायदा हो रहा है कि हम एक पंत और दो काज हो रहे हैं, हमारे पैसे भी बच जाते हैं और हमें अच्छा खाना भी मिल जाता है खाने को।
शहरों के कई घर अब माइक्रो फार्म में बदल गए हैं और सब्जियां उगाने के लिए लोग पानी के पुराने टैंक और बाल्टियों से लेकर लकड़ी के बक्सों और गमलों तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, कई जगह तो बिल्डर्स इनके लिए स्पेशल रूफ टॉप गार्डन ऑफर कर रहे हैं। NSSO 2011 के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय परिवार ताजा सब्जियों पर मासिक बजट का करीब 6% खर्च करते हैं। छतों पर उगी सब्जियों से ये गृहणियां जहां इस 6% बजट की बचत कर रही हैं, वहीं परिवार की सेहत में इजाफा भी कर रही हैं। वक्त के साथ शहरी खेती की जरूरत और अहमियत और बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन खर्च पेट्रोल और डीजल के दामों के साथ बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब वो दिन दूर नहीं जब ग्लोबल हुडी दुनिया का हथियार यानी इंटरनेट सुपर फास्ट स्पीड के साथ आपके सामने होगा। इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कंपनियां इसकी तैयारी में जुट गई हैं, जिसके चलते बहुत जल्द आपको 4G टेक्नोलॉजी वाला तेज इंटरनेट मिल सकेगा। आइए आपको दिखाते हैं क्या है 4G टेक्नोलॉजी और किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी होगी। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंटरनेट हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। हमारे जीवन के तमाम कामों को सरल बनाने में इसका अहम योगदान है। इसकी दिनों दिन बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए निजी कंपनियां अब इसके सुपर फास्ट वर्जन को लाने की तैयारी कर रही हैं, जिसे 4G टेक्नोलॉजी कहते हैं। देश भर में अधिक से अधिक लोगों तक इंटरनेट की पहुंच बेहतर और सुलभ बनाने, ई गवर्नेंस सेवाओं के समुचित विस्तार के लिए सरकार ने निजी कंपनियों को ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस लाइसेंस जारी किए हैं, जिसे तकनीकी तौर पर 4G LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन कहते हैं। ये 3G से उन्नत टेक्नोलॉजी है, जिसमें अधिक तेज, सुरक्षित और किफायती दरों पर डेटा ट्रांसफर और एक्सेस की सुविधा मिल सकेगी। 4G टेक्नोलॉजी में बेसिक कम्युनिकेशन जैसे ईमेल पर काम करना तेज और आसान हो जाएगा। गौरतलब है कि 3G में डेटा ट्रांसफर की स्पीड 1-3 MBPS तक होती है, जबकि 4G में ये स्पीड 10 MBPS तक पहुंच जाएगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में हर महीने 50-70 लाख इंटरनेट यूजर जुड़ रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोग छोटे शहरों और गाँव के होते हैं। सरकार इस इंटरनेट की जादुई शक्ति का इस्तेमाल दूर दराज के गाँव में ई गवर्नेंस सुविधाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ साक्षरता को बढ़ावा देना चाहती है, जिसे ग्लोबल दुनिया की जानकारियों का लाभ वो आम जनता भी उठा सके जो गाँव में रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक अनोखा मंदिर जहां पर 500 साल से लगातार जल रही है अग्नि। अजंता, खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता,